आज की वीडियो की शुरुआत इन सुंदर जो गेंदे के अभी फूलों के साथ कर दी है, जो पर आप देख सकते हो सफेद रंग के हैं। इनकी मैं सैपलिंग्स लेकर आया था और दोस्तों आप देख सकते हो बारिश कितने के अच्छे से इन्होंने फूल देने शुरू कर दिए हैं। जो सफ़ेद गेंदा है ये बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलता है इंडिया में, पर इसके हाइब्रिड जो बीज हैं थोड़े से महंगे आते हैं। ये मुझे 15 रुपये की पौध पड़ी थी और अभी इस पर बहुत अच्छे फूल आने लग गए हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इन सभी पौधों के बारे में ही, क्योंकि अभी क्या है सर्दियों का मौसम आ गया है और आज बारिश के बाद हमारे यहाँ पे धूप निकली और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, जिसके कारण अभी हमें 2-4 काम करने बहुत ज़रूरी हैं पौधों में, क्योंकि उसके साथ ही आपके पौधे अच्छे से खिलेंगे। आप देख सकते हो मॉर्निंग ग्लोरी के अभी तक फूल खिलने बंद नहीं हो रहे हैं और ये अपने आप से ही उगे हुए हैं बीज, ये मैंने खुद नहीं उगाए हैं। ये मॉर्निंग ग्लोरी तो एक तरह का जैसे जंगली पौधा होता है वैसे ग्रो होती है, पर इसके फूल अगर सुबह सुबह आप आकर देखोगे तो बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा गुड़हल के पौधे के बारे में। अगर आप देखोगे जो मेरे गुड़हल के पौधे हैं इन पे दोबारा से अभी कलियाँ बनना शुरू हो गया है। जो मेरे पास गुड़हल के पौधे हैं ये सभी ग्राफ्टेड हैं, इसीलिए ज़्यादातर ये अक्टूबर में जाकर फूल देना शुरू करते हैं या फिर जाके फरवरी में, इनके 2 महीने होते हैं। अगर आपके पास ग्राफ्टेड हैं आप यहाँ से देख लें ग्राफ्ट लगी हुई है, तो आप इसकी अभी अच्छे से अच्छी केयर करें जिसके साथ आपके पौधे पर फूल बड़े से बड़े हैं। आप देख सकते हो इस पर जो फूल भी आ रहे हैं, साथ में पत्ते थोड़े बहुत इसके पीले पड़ते रहते हैं, पर ऐसी कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। अगर आपके पास गुड़हल के पौधे हैं तो उनको हमेशा धूप में रखें और अभी आप इनको वर्मी कंपोस्ट या कोई अच्छी खाद दे दें। आप देख सकते हो जो ये वाले मेरे पुणे वाले पौधे थे इनको मैंने रिपॉट कर दिया है, क्योंकि मुझे पता था अभी ये दोबारा से फूल देना शुरू करेंगे और इनको फूल देने के लिए बहुत अच्छी मिट्टी की ज़रूरत है। इसलिए मैंने क्या किया, इनको बढ़िया मिट्टी दे दी और ऊपर से कल बारिश होगी जिसके साथ इनकी जो रूट्स हैं अच्छे से सेटल अभी हो जाएंगी। पहली बात तो ये, आपने जो आपके पौधे हैं उनकी रिपॉटिंग अभी आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों आती है हमारे गुलाब के पौधे के लिए। आप देख सकते हो सुबह सुबह इसका भी एक नया फूल खिला है और बहुत अच्छे से अभी मेरे पौधे हैं फूल देने अभी इन्होंने शुरू कर दिए हैं, पर फिलहाल मैं इसके जो फूल हैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। आप देख सकते हो मैं ऐसी ग्रोथ अभी इनकी देख रहा हूँ कि ऐसी ग्रोथ हो जिसके साथ आगे जाके इनके फूल भी बहुत अच्छे से आएँ। जिन जिनको मैंने फर्टिलाइज़र दिया था पौधों को उनके ऊपर आप ग्रोथ देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छे से आई है। अगर आप इनकी प्रूनिंग करना चाहते हो, जैसे अगर आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग, सेमी हार्ड प्रूनिंग, जो भी आपको सही लगती है वैसे मैंने आपको बताया है, वो कर दें, क्योंकि अभी इसका मौसम है। अभी जैसे आज एकदम से ठंड हो गई है, ऐसी ठंड के बाद इसके जो फूल हैं बहुत जल्दी से आना शुरू होंगे और इसके लिए आप इसकी प्रूनिंग कर दें। जो आपके यहाँ पे कर्लिंग वाली समस्या है पत्तों पे वो भी आपकी सही हो जाएगी। इस पर दवाई छिड़क दें या इन पत्तों को ही तोड़ दें। आज मेरे यहाँ पे 30% अभी भी इसके पत्ते हैं वैसे जिसमें कर्लिंग लगी हुई है, वो हम सभी तोड़ देंगे। आपको मैं दिखा देता हूँ अभी सभी गुलाब के पौधे कैसे चल रहे हैं। आप देखें ये जो पौधा है इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से जो शुरू हो गई है। ये जो सभी पौधे हैं इनमें लगभग सभी में जो पौधे में ग्रोथ है वो अच्छी आने लगी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है मेरा बोगनवेलिया का पौधा। बोगनवेलिया भी दोस्तों अभी बहुत अच्छे से फूल दे रही है। आप देख सकते हो इतना बड़ा जो फ्लावर है इसका मैंने अभी तक नहीं देखा था अपने गार्डन में। ये देख सकते हो 20-25 दिन हो गए इसको लेके, मैंने जब लेकर आया था इसको, अभी तक इस पर जो वही फूल हैं वो भी खिली जा रहे हैं। आप देख सकते हैं नए नए वाइट कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं, येलो के आ रहे हैं। तो आप बोगनवेलिया भी ज़रूर परमानेंट प्लांट अपने गार्डन में ऐड अभी कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों अगेन जो मेरे पास फूलों की पनीरी है, ये अभी आप देख सकते हो लगभग पूरी स्टेज पे पहुंच गई है जहां पे इनको ट्रांसप्लांटिंग की ज़रूरत है। आपको मैं अभी दिखाता हूं, ये मेरे गेंदे की जो पौध है ये इनका मैरीगोल्ड है बड़े फूलों वाला, और इसकी जड़ें नीचे से आना शुरू हो गई जिससे हमें लगता है कि इसके लिए जो गमला है अभी बड़ा अभी इसको मिलना चाहिए। मैं इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी मिट्टी नहीं है। गमले तो मेरे पास पूरे पड़े हैं, 150 के आसपास मैंने नए गमले हैं जो इनके लिए ख़रीदे हैं जिनमें हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे। अभी बस इतना ही वेट है कि इनके लिए मिट्टी मिल जाए अच्छी सी और उसमें मैं वर्मी कंपोस्ट मिलाकर सभी को ट्रांसप्लांट कर दूं। अगर आपके पौधे यहाँ स्टेज पर आ चुके हैं तो आप इनकी जल्द से जल्द ट्रांसप्लांटिंग कर दीजिए, क्योंकि अभी इनकी जो बर्ड्स हैं वो आना चालू हो जाएंगी, क्योंकि अभी सर्दी आ गई है। सर्दी में छोटे साइज़ पे ही फूल निकाल देते हैं, बड़े फूल पाने के लिए आप जल्दी से जल्दी इनकी ट्रांसप्लांटिंग कर दीजिए। ये आप देख सकते हो कैलेंडुला और जेरेनियम सभी मेरे पौधे हैं लगभग सभी ट्रांसप्लांटिंग की स्टेज पर पहुँच गए हैं, तो इसलिए आप भी ट्रांसप्लांटिंग अपने सभी पौधों की जल्द से जल्द कर दें।
उगाने के लिए आप बीज भी अभी उगा सकते हैं, पर मेरे हिसाब से अगर आपके पास पौध है तो आप उसको भी ट्रांसप्लांट कर दें और साथ में नए बीज भी लगा दें, क्योंकि बीज का जो आपका प्रोसेस है वो तो दिसंबर एंड तक चलता रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप देख सकते हैं इसकी जड़ थोड़ी सी उखड़ गई है, इसलिए ऐसा अगर आपके पौधे पे हो तो उसके साथ थोड़ी बहुत मिट्टी निकाल लगा दें, जिसके साथ जो पौधा है ख़राब ना हो जाए। इसकी दोबारा से ठीक करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि ऐसे ही सबसे ज़्यादा पौधे मरते हैं, और ये इम्पेशेंस का प्लांट है। और हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है दोस्तों हमारे क्राइसेंथेमम के पौधों को लेकर। अभी मैं आपको बता दूं, इनका बहुत ही एंड समय चल रहा है जब आप इनकी कटिंग बना सकते हैं, इसके बाद आप अगर आप कटिंग बनाओगे वो बहुत जल्दी से फूल देना चालू कर देंगी। आप देख सकते हो मेरे पास ये एक क्रेट पड़ी है जिसमें मैंने सभी क्राइसेंथेमम के मदर प्लांट्स लगाए हुए हैं और जिनमें अभी अच्छे से फूल आने चालू हो जाएंगे। मैंने तो बहुत सारी कटिंग फ़िलहाल बना ली है, मुझे और ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अगर आपके पास पौधे हैं, आप अभी वेट कर रहे हो कि आगे जाके कटिंग्स लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। ऑलरेडी इस पर भी आप देखो बर्ड्स आना चालू हो गए हैं, ये देखो सभी पे बर्ड्स हैं, अभी ये खिलने की बस वेट में हैं और जल्द से जल्द ये खिलना चालू कर देंगी। इसलिए आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, डेलिया हो गया, क्राइसेंथेमम हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, जिसकी भी आप कटिंग लगाना चाहें अक्टूबर में एंड में आप लगा दें और वो 10 दिन तो ग्रो होने के लिए ले लेंगे और उसके बाद आपके पौधे में अच्छा ग्रोथ तो आपको दिखेगा। इसलिए आप जल्द से जल्द इनकी कटिंग्स हैं वो अभी लगा लें, जिसके साथ आप ज़्यादा लेट नहीं होंगे और आपके पौधे में फूल भी अच्छे से आएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने कटिंग्स लगाई थी, ये दोस्तों आप देख सकते हो ये मैंने पहले कटिंग्स लगाई थी और सभी में बहुत अच्छे से ग्रोथ चालू हो गई है। ऊपर से मैंने इनकी एक बार पिंचिंग भी कर दी, अभी देखते हैं कितने ज़रा ये फूल निकालेंगी। और दिखा देता हूँ पिंचिंग करने के बाद दो दो इसमें स्टेम्स आ रही हैं और ये सबसे ज़्यादा सही चीज़ होती है। अगर आप पिंचिंग करते हो उसके साथ आपके पौधे में जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से होती है, आप देख सकते हो। और बाकी दोस्तों मेरा आखिरी पॉइंट इनके ऊपर ही होगा, जो जरबेरा के पौधे हैं, क्लांचो के पौधे हैं, कि इनको अच्छे से अच्छी अभी खाद दें, जैसे 15 दिनों बाद इनको एनपीके स्प्रे करें और उसके बाद जो भी आपके पास क्लांचो है, जरबेरा है, पॉइंटसेटिया है, ये लास्ट ईयर के ऐसे कोई पौधे हैं, उनकी बढ़िया तरीके से केयर करें, जिसके साथ उनको अच्छे से अच्छे फूल आएँ। जैसे आप देख सकते हो ये मेरे पास क्लांचो का पौधा है, ये अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होने लग गया है और इसके ऊपर आई होप अभी बहुत अच्छे फूल आएंगे। जब फूल आएंगे आपके लिए वीडियो भी मैं बना दूंगा। ये एक पौधे से ही 4-5 पौधे मैंने तैयार कर रखे हैं, ऐसे आप भी कर सकते हैं। वैसे कटिंग अभी लगाने का समय नहीं है, आप नेक्स्ट ईयर लगा सकते हैं या फिर गर्मियों में लगा के सर्दियों में फूल पा सकते हैं। आप देख सकते हैं सभी जरबेरा को मैं अच्छी से अच्छी खाद दे रहा हूँ, जो एनपीके 90-90-90 है, उसके साथ मैं थोड़ी बहुत वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड भी इनमें डाल देता हूँ, जिसके साथ सभी पौधे बहुत हेल्दी हो गए हैं। अभी इनके फूल जो फूल आएंगे, फूलों पर कैसे अभी कलर्स आएंगे वो तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि जब मैं इनको लेकर आया था तब इनके ऊपर फूल नहीं थे, अभी देखेंगे कैसे आएंगे। सो आप ज़रूर इनके ऊपर कोई भी स्प्रे कर सकते हैं 15 दिनों बाद, या फिर कोई भी कंपोस्ट दे सकते हैं। ये दोस्तों कुछ चीज़ें थी जो मैंने आज आपको बतानी थी, 4-5 चीज़ें जो आप अक्टूबर के महीने में कर सकते हैं। वैसे मैं रेगुलर आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ, आई होप आपको ये भी वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते मैं आपको सभी गुलाब की जो आप देख सकते हो सभी की जो ग्रोथ है दिखा जाता हूँ। और ये सभी अभी गमले पड़े हैं, इनकी अभी तैयारी चल रही है इनमें कौन सा पौधा लगेगा, पर मैं छोटे गमले इस बार कम ही रखूँगा क्योंकि बाद में इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं बड़े बड़े 8 इंची के जो आप पीछे देख सकते हो वैसे ही गमले रखूँगा, जिनमें मैं सभी सीजनल सभी लगा दूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।